हेलो एवरीवन, आर्य आरो का प्रीलिम बूस्टर सीरीज को लेकर के आज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज मैं यहाँ पर आपको टारगेट वीक वन में क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम क्या होगा, किस समय यहाँ पर ये सेशन आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर डेट जो होगी आपको देखा जाए कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे जो टाइम और डेट की बात है, अक्टूबर से हमने कहा था अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तीन मंथ में हम यहाँ पर आर ओ आर ओ को कंप्लीट करना है और फाइनली हम यहाँ पर अक्टूबर लगने के साथ ही हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसको लेकर के मंडे टू सैटरडे यहाँ पर ये सेशन आपको आयोजित किया जाएगा और शाम को यहाँ पर 6 बजे ये सेशन आपके लिए रहेगा। एवरी डे मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए ये 1 अक्टूबर संडे रहेगा, हम 2 अक्टूबर से इसे स्टार्ट करने वाले, 2 अक्टूबर यानी कि मंडे से आपको स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 6 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए जो प्रीलिम बूस्टर सीरीज का आपके टारगेट वीक वन है वहाँ पर हम इतिहास को लेकर चलेंगे, इतिहास में भी हम प्राचीन इतिहास को लेकर चलेंगे। प्राचीन इतिहास को देखें कि आपके इतिहास के 4 पहलू हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हो आपसे पूछा जाएगा, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास को लेकर के, आपको आधुनिक भारत लेकर के, साथ ही साथ आया आपको आर्ट एंड कल्चर। हम यहाँ पर अक्टूबर के 4 वीक में हर एक वीक में एक यहाँ पर टॉपिक को खत्म करेंगे, जैसे कि टारगेट वीक वन के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास को पहले वीक में पूरा खत्म करना है, इसका रिविजन करना है, तो आपके लिए यहाँ पर टारगेट रहेगा प्राचीन भारत को पहले वीक में खत्म करना है। सामान्य हिंदी को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो सामान्य हिंदी को भी हमें यहाँ पर टोटल 6 टॉपिक आते हैं, टोटल 6 टॉपिक जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो डेली यहाँ पर एक टारगेट है कि आपको मंडे टू सैटरडे में यहां पे इन 6 टॉपिक को पर डे 1 टॉपिक लेना और खत्म करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूं और करंट अफेयर्स को लेकर हम यहां मेरी जो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का ही यहां पे करंट अफेयर्स भी लेकर चलें। इसके एक तरीके से आपका जीएस भी होता रहेगा और दूसरी तरफ उसी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहेगा, साल भर में जो भी डेवलपमेंट हुई होगी, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर आपके लिए लेकर आऊंगा और उसका भी आपके लिए रिवीजन रहेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसे लेकर चलने वाले हैं। डिटेल जो प्लान है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्लान मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, कैसे यहाँ पर इसको आप देखेंगे, कैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। सिलेबस यहाँ पर देखिए आपके लिए जो है, जो जानकारी हमारे पास है उसमें कहा गया है कि आपके सिलेबस में आर ओ आर ओ का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर होंगे, एक तो सामान्य हिंदी का है और सामान्य आपका अध्ययन का 2 पेपर है। सामान्य हिंदी में जैसे मैंने कहा कि 6 टॉपिक आने हैं और हर डे और पर डे अगर आप देखें 1 टॉपिक टारगेट करिए, जैसे कि आपने मंडे को विलोम शब्द पढ़ लिए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को आपने ट्यूसडे को टारगेट किया, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द वेडनेसडे को, तत्सम एवं तद्भव को थर्सडे को और फ्राइडे और सैटरडे में यहाँ पर विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द को एक एक दिन टारगेट कर लीजिए। 6 टॉपिक 6 दिन यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगी, सामान्य हिंदी का पैटर्न आपको खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए सामान्य अध्ययन में हम सिर्फ 1 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और वो है यहाँ पर हमारा भारत का इतिहास और इस टॉपिक को हम प्राचीन भारत को पहले यहाँ पर टारगेट करेंगे। टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक हैं, इसमें साथ साथ देखा जाए तो आपके लिए 8वां जो टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड लेकर चलने वाले। तो ये मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी है आप सभी के लिए जो कि हम टारगेट करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमें 3 महीने में यहाँ पे सामान्य अध्ययन का भी खत्म करना है, जिसमें सामान्य विज्ञान भी है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति इत्यादि के बारे में। अब आइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो टारगेट वीक है इतिहास के संदर्भ में वो पूरे वीक का भी मैं आपको बता दूं कि कब किस दिन क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ के आना है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किस दिन मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो टारगेट वीक आपका इसमें रहेगा, टारगेट वीक वन के अंतर्गत हम प्राचीन भारत में जो टारगेट इसमें करेंगे, देखिए सामान्य हिंदी का मैंने आपको बता दिया 6 दिन 6 टॉपिक लेकर पढ़ना है, करंट अफेयर्स को लेकर भी मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि आपको हम आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड साल भर में जो करंट अफेयर्स आएंगे वो भी इस क्वेश्चन सीरीज में आपको शामिल रहेंगे और इसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी रहेगा। हिस्ट्री को लेकर के बाकी जो प्राचीन भारत हम टारगेट करेंगे पहले वीक में, तो यहाँ पे देखिए मंडे को जो आपको टारगेट रहेगा कि आपको प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, पुरातात्विक हैं, पाषाण काल, नवपाषाण काल जैसी चीजें हैं वो सब आपको पढ़ना है और हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता मंडे को हम यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे को इससे रिलेटेड आपको टेस्ट होगा। ट्यूजडे को देखा जाए तो यहाँ पर आपको वैदिक और जैन और बौद्ध,
ठीक है। वैदिक, जैन और बौद्ध से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा ट्यूसडे को। वेडनेसडे को देखा जाए आपके लिए विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत, प्राचीन समय में यहाँ पे जो भी शक, हूण, कुषाण जो भी हैं, जो विदेशी आक्रमण हुए, धार्मिक आंदोलन जो प्राचीन भारत में हुए, उनको लेकर के आपका जो टॉपिक रहेगा वेडनेसडे को, ये टारगेट रहेगा। थर्सडे को देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे मौर्य और मौर्योत्तर को लेकर के यहाँ पे आपका टारगेट है, आपको जो फिनिश करना है वो थर्सडे को। फ्राइडे को यहाँ पे देखिए आपको गुप्त और गुप्तोत्तर यहाँ पर आपके लिए रहेगा। सैटरडे को यहाँ पर बाकी संगम काल और अन्य जो भी यहाँ पे घटनाक्रम बच जाते हैं उनको हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो टॉपिक है मंडे टू सैटरडे यहाँ पे प्राचीन भारत को इस तरीके से हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। ये रहेगा आपका टारगेट और इस हिसाब से हमें यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो ये लेकर पूरा यहाँ पे सीरीज जो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास यहाँ पर मंडे को शाम को आपका टेस्ट, वो भी 6 बजे होगा, तो तब तक यहाँ पर आपको जितने भी टारगेट बताए गए हैं उनको मंडे का टारगेट फिनिश करना है और डे बाय डे यहाँ पर आपको चीज़ों को इसे पढ़ते चलना है। तो इसे लेकर के बाकी अगर कोई कमेंट है, कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई अन्य चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है या कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछेगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।